ऐसा समागम किन्हां दे पिछों हुंदा भाई जिहड़े कुछ करके जांदे संसार विच। इस संसार विच महाराज बाणी च कहिंदे गरीब आए इत्थे संसार में वेखण को बरूप तू तो पूर्ण ब्रह्म था पड़ गया नजर अनोप। ये जीव दर्शन मिलन करन वास्ते संसार विच जीव भेजा जांदा है, उस परमात्मा का भजन करने वास्ते जीव भेजा जाता है, लेकिन यह उल्टा नजर पै जाता पा क्योंकि जिन्होंने इस संसार में कुछ करके गए। महाराज बाणी च निर्णा दें गरीब मरना है रहना नहीं मरना बिस्में बीसा चार दिनों की रहन है काहे गुदावे सीसा। महाराज कहने इस संसार में चार दिन की रहने पाए क्योंकि आखिर इस संसार में छड़ के जाना पैना पाए। महाराज बाणी फिर निर्णा देने गी मरना है रहना नहीं मरना बिस्में बीस। कहिंदा ऐसा कम है इस संसार में एक दिन इस शरीर छड़ के जाना पैना पाए। राजा रंग फकीर फना हो जाएंगे बिना बंदगी बाद बहुत पछताए कि राजा रंग फकीर सारे इस संसार विचों जाना पिया पाए। और एक ना इस संसार विचों जदों के जीव जाता एक तो विमान भी बैठ के जाता पाए, एक हथकड़ियां लग्या जाता पाए। हथकड़ी किनू लगती जिहड़ा कुछ करके नहीं जाता है। बवान विच बैठता कि जिस जीव ने कुछ संसार विचों खट के जाना है क्योंकि खट्टन का खजाना किहड़ा पाई सिमरन उस परमात्मा का सिमरन कर लवे ना तो समझो ये खजाना शाहूकार बन जाता जीव क्योंकि अगे गह जाके अपना खजाना जोड़िया हुआ खा सकता है। जे इत्थे कुछ सिमरन ना किया तो अगे तो भाई महाराज कहिंदे बाणी च कि बिना बंदगी नहीं बड़े दरबार में, जे दरबार विच तां बढ़ोना जे कोई बंदगी करी हो। फिर महाराज कहने कई जीव भी कह लग पे लो जी राम 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 करते हैं कि फिर जमा जी नगरी किदा चले गए। महाराज बाणी च परमार्थ ने गरीब सुबटा खाली रह गया पाप प्राणी करता फिर जमा ही नगरी किदा चल जावे। प्यारे जमा ही नगरी तां जाना पैना है जिस जीव ने गुरु महाराज का सिमरन ना किया, गुर धारना ना की, जिन्ना मर्जी बैठता भी राम राम करता वह भी गिनती जा जाना पाए। जिस तरह के असी किसी दफ्तर भी किसी भी महकमे बड़े में जाके सवेर में हाजिरी जरूर लवानी पैनी पाई, जे हाजिरी ना लगे तो तुम पुलिस वाली वर्दी पा के ना जिस चौंक मर्जी खड़े ड्यूटी दे जाओ कि नौकरी नहीं मिलनी पाई जा किसी गिणती में नहीं दफ्तर हाजिरी नहीं लगी। इस तरह भाई जो कि गुरु महाराज है यही पार लिखाने उस पाप सागर तो। दूसरा नंबर महाराज कहते बाणी गरीब निंदा विंदा छड़ दे संतोष होकर प्रीत पाप सागर तिर जाते हैं जीवत मुक्त अतीत। इदा जींदा जी तरियावा पाई जी निंदा विंदा वैर बरोध छड़ दे जीव। जिस तरह के एक समय का महाराज पूरी वाले का परचा है, महाराज पूरी वाले चौंदे कुटिया च बैठे थे जदों के रकबे तो एक भगत था महाराज बड़ा निजी था। जदों भी उस लड़के ने सतगुरु को जाना तो सतगुरु ने क्या कहना बच्चों सतगुरु ने याद रखी, उस अपने मालक को याद रखी बाल बिंगा नहीं कर सकता कोई। कुछ समय पैण तो बाद भगत फौज में भर्ती हो गया। जदों के फौज में भर्ती होया कुछ समय तो बाद लड़ाई लग गई
जिहड़ी साध वाली पलटण दी सारी मारी गई। सिर्फ चार जवान हो रह गए, एक भगत रह गया, तीन होर रह गए नाल। तां उह वी घेरे विच आए हुए, एक पासे सख्त पहरा लग्या होया, एक पासे समुंदर ठाठा मारदा है, एक पासे अग लाई हुई है कि वह जीव किधर नूं जाण। तां साध वाले जो पलटण दे जवान थे वो कहने लगे, भगत जी अगे बड़ा सतगुरु नूं याद करदे हैं, हुण इहदे उपर की भारी पैणी है, हुण तां बाघ दे मूँह च जान कोई पता नहीं कदों चब दे अगला। तो उस भगत जी ने एक रत पार हो के सतगुरु अगे बेनती की, गुरु दर्श दिखा दो जी थोड़े सा जिंदगी दे रेंदे, गुरु दर्श दिखा दो जी थोड़े सा जिंदगी दे रेंदे, गुरु दर्श दिखा दो जी थोड़े सा जिंदगी दे रेंदे, गुरु दर्श दिखा दो जी थोड़े सा जिंदगी दे रेंदे। बोली बंदी शोर महाराज की प्यारी साध संग जी, जदों के सतरों अगे बेनती रखी, सतरों बंदी शोर महाराज पूरी वाले बड़े दीन दयालु बड़े कृपालू, बेड़ी लैके मलाह बन के समुद्र दे विच आ गए। महाराज कहन लगे, बच्चों जल्दी करो किश्ती बैठो। तां किश्ती चारे जवान बहाल के महाराज आप चप्पा ला रहे। तां उस भगत जी ने फिर शब्द लाया, साडे गुरां ने जहाज बनाया आवो जिने पार लंघना, साडे गोरां ने जहाज बनाया आवो जिने पार लंघना, मेरे तारे भैया वो जिने पार लंघना, मेरे तारे जिया वो जिने पार लंघना, बाबा बाबा भैया वो जिने पार लंघना, बाबा बाबा भैया वो जिने पार लंघना, साडे गोरां ने जहाज बनाया आवो जिने पार लंघना, साडे गोरां ने जहाज बनाया आवो जिने पार लंघना, बंदी शोर महाराज की। प्यारी साध संगत जी, जदों के मला चप्पा आप ला रहे महाराज, ता पार कीते, जदों चारे जीव बाहर निकल गए, पिछे मुड़कर देखते हैं ना उत मला है ना किश्ती है। उस जीव नूं दृढ़ विश्वास हो गया कि साडी खातर सतगुरु बंदी शोर महाराज भुरी वाले मला दा रूप धार के किश्ती लैके आए। ता जदों के कुछ समय बाद छुट्टी आ गया, छुट्टी आन पर पता किया कि महाराज भुरी वाले दा आसन केड़ी कुटिया विराजमान, ता पता लग्या कि चौंदे वाली कुटिया च सतगुरु विराजमान है। रकबे तो बाणी पैरी तुर पे भगत, वह आ गए जदों के चौंदे वाली कुटिया बड़े अगे सतगुरु बंदी छोड़ आसन दे विराजमान है, संगत जुड़ी हुई है। तो उस जीव ने डंडौत करके खड़ के फिर सतगुरु अगे बेनती रखी, बड़े प्रेम ना बोलो
दर्शन सतगुरु तेरा जी मैं देख देख जीवा, दर्शन सतगुरु तेरा जी देख देख जीवा, दर्शन पूरी वाला तेरा जी मैं देख देख जीवा, दर्शन पूरी वाला तेरा जी देख देख जीवा, पर बटन पर लोक है, पर बटन पर लोक है, जादले सतगुर सार जी मैं देख देख जीवा, दर्शन सतगुर तेरा जी देख देख जीवा, दर्शन पूरी वाल तेरा जी मैं देख देख जीवा, दर्शन पूरी वाल तेरा जी मैं देख देख जीवा, भक्त हेत से उतरे, भक्त हेत से उतरे, पाया हम दीदार जी मैं देख देख जीवा, दर्शन सतगुरु तेरा जी देख देख जीवा, दर्शन बंदी छोड़ तेरा जी मैं देख देख जीवा, दर्शन बंदी छोड़ तेरा जी देख देख जीवा, सतगुरु को कह दीजिए, सतगुरु को कह दीजिए, देने को कुछ ना है जी मैं देख देख जीवा, दर्शन सतगुरु तेरा जी देख देख जीवा, दर्शन पूरी वाल तेरा जी मैं देख देख जीवा, दर्शन पूरी वाल तेरा जी देख देख जीवा, सतगुर दाता देते हैं, सतगुर दाता देते हैं, दान बहराग जी मैं देख देख जीवा, दर्शन सतगुर तेरा जी देख देख जीवा, जो जन लागे बंदगी, जो जन लागे बंदगी, तिनके मोटे भाग जी मैं देख देख जीवा, दर्शन सतगुर तेरा जी देख देख जीवा, दर्शन पूरी वाल तेरा जी मैं देख देख जीवा, दर्शन पूरी वाल तेरा जी देख देख जीवा, दास गरीब दयाल है, दास गरीब दयाल है, दास गरीब दयाल है,
ਡਿਗੇ ਬਣਾਵੇ ਤੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਕਰਜਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਵਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਵਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਬੋਲੀ ਬੰਦੀ ਸ਼ੋਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉਸ ਭਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਸ਼ੋਣ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਆਦ ਅੰਤ ਦਾ ਭੋਗ ਟਿੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 15 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਹੈ 15 ਕਿਲੋ ਅਤੇ 15 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੋ ਚੌਂ ਕਿਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀੜਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਜੂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲੂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਸਤਰੀ ਔਰ ਭਾਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਹੁਰਿਆ ਕਿਆ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਚੌਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਮਿਸਤਰੀ ਜਾ ਭਾਈ ਛੋਟੀਆਂ ਲੈਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲੈਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਢਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਵਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੱਪੜਾ ਉਨਾ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਚੌਲ ਕੱਢਣੇ ਸੀ ਫਾਲਤੂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆਖਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੋ ਲਿਆਓ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੀ 4 ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹੇਠ ਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦੇਖੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਬੜੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੈਲਪੁਰ ਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭੌਰੇ 'ਚ ਤਾਂ 5-7 ਲੜਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 5-7 ਵੰਡਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਕਾਣਗੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਬੱਚੂ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਾ ਫਲ ਲਓ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਭੌਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਪੰਡਾਂ ਇੱਕ ਲੈਨ ਵਿੱਚ 5-7 ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ 5-7 ਸਰੀਰ ਖੜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਡ ਮੂਹਰੇ ਸਰੀਰ ਖੜਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੱਟ ਬੂਟ ਕਾਹਨੋਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਐਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰੇ ਤੋਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਰੀ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘੇ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਤੀ
घट घट दे जीबा दे अंदर ऐसी जोत जगाई के जेड़ी के घड़ी घड़ी पल पल उस परमात्मा का सिमरन करते हैं, राम राम करते फिर रहे हैं। और जिन्हें जीबा ने राम राम की महाराज जी, उन्होंने भाई घाटा भी किसी चीज़ का नहीं आया।